हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन सेवन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेवन में बोला है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसलिए फ्रेम ऑफ वर्क यहाँ पे रेडी रखा है मैंने। तो सबसे पहले लेट कर लो ट्राइंगल ए बी सी वेर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल सी पे आप बोल सकते हो कि वो थीटा एंगल है। फिर वहां पे क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। कॉट थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड कौन सा है थीटा के? बी सी, और ऑपोजिट है ए बी। तो देयर फॉर कॉट थीटा दैट इज 7/8 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे लेट कर लो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 7/8 वेर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो बी सी इन दोनों का इंटरचेंज कर लो। ओके, तो बी सी बाई 7 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू के। तो मैं बी सी बाई 7 इज इक्वल टू के इन दोनों को कंपेयर कर लूँ और ए बी बाई 8 इज इक्वल टू के। तो इससे मेरे पास बी सी और ए बी इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो बी सी 7 के है और ए बी 8 के है। तो ये हो गया 7 के, ये हो गया 8 के। तो अभी यहाँ से पाइथागोरस से हम ए सी को निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना होगा? 8 के का स्क्वायर और बी सी होगा 7 के द होल स्क्वायर। तो 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, ठीक है। तो 60 और 40 100 और 13, तो 113 के स्क्वायर। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 113 के स्क्वायर। तो ए सी बन जाएगा रूट 113 के। तो हमारे पास ए बी ए सी और बी सी ये तीनों के वैल्यूज आ चुके हैं। अभी यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट में साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए और यहाँ पे कॉट थीटा। तो इसका तो डायरेक्टली हम स्क्वायर बना देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या होगा? ए बी, हाइपोटेनियस होगा ए सी। तो साइन थीटा का वैल्यू बन जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या है? 8 के और ए सी का 113 के, रूट 113 के, के से के कैंसल। तो साइन थीटा बन जाएगा 8/√113। बढ़िया। तो अभी कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या होगा? BC, हाइपोटेनियस AC। तो cos थीटा का वैल्यू आएगा BC यानी 7K, ये होगा रूट 113 के, K से K कैंसिल। cos थीटा का वैल्यू आया रूट 7 अपॉन रूट 113। अब इन दोनों के वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यूज मिले हैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमें जो चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 8/√113, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 8/√113। ओके, फिर नीचे कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 प्लस कॉस का वैल्यू 7/√113, 1 माइनस 7/√113, ठीक है। अभी इसको एलसीएम लो। ये होगा रूट 113 प्लस 8, ये होगा रूट 113 माइनस 8, और नीचे 113.113, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका और इसका एलसीएम बना। फिर होल अपॉन नीचे भी सेम रूट 113 प्लस 7, रूट 113 माइनस 7, एंड होल अपॉन 113 क्रॉस 113।
तो ये कैंसल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम है हमारे पास। तो अभी इसको सॉल्व आउट करो। रूट ये देखो ए प्लस पी और ए माइनस पी, तो इसका होगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, नीचे होगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49। तो 113 में से अगर 64 आप निकाल दोगे तो बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। ठीक है, तो ये आपका इस वैल्यू के लिए आंसर बन गया। अभी हमें दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया है तो 7/8 सॉरी 7/8 उसका स्क्वायर निकाल लो, तो ये बन जाएगा 49/64। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है यहाँ पे, उसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज सेम है। ओके तो जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 7 जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल काफी बार पूछते हैं एग्जाम्स में, उसमें कुछ होता नहीं, आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने, तीनों निकाल देने। अगर आपके पास ये तीनों आ गए तो क्वेश्चन 5 में जैसे हमने देखा था कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, और फिर ऐसे आपको कोई भी इक्वेशन दिए तो आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व करके बना सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट।